वर्क फ्रॉम होम। दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं अपने घर से काम या फिर जॉब, तो इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे, जो कि है नेशनल करियर सर्विस, आप नाम सुने होंगे, यहाँ से आप ऑनलाइन जॉब अप्लाई कर सकते हैं और अपने घर से जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आते हैं, जो कि है नेशनल करियर सर्विस, जो ट्रस्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का वेबसाइट है। और यहाँ पे बहुत सारी जॉब वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फाइंड जॉब लिखा हुआ है, करियर इन्फॉर्मेशन, जॉब है फॉर वोमेन, यानी कि और जो भी वोमेन हैं उनके लिए भी जॉब है। गवर्नमेंट जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट पोर्टल सर्विस फॉर डिफरेंशली एबल, यानी कि कोई अगर फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसके लिए भी जॉब है, जो कि आराम से वो घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पे आप घर बैठे काम भी कर सकते हैं या फिर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको करियर स्किल्स, यानी कि स्किल्स कोई सीखना चाहे, ट्रेनिंग जो कराती है TCS आयोन, तो वो भी आप ट्रेनिंग वगैरह स्किल वगैरह सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें पूरा मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जॉब ऑनलाइन कैसे आप इसमें अप्लाई करेंगे जॉब के लिए और किस तरह से अच्छा जॉब आप सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपका पहले से आईडी है तो यहाँ पे आप लॉग इन कर लेंगे। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू यूजर साइन अप। ठीक है, आपको वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप आ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो यहाँ पे न्यू यूजर साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे साइन अप कर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूछा जाएगा आपको रजिस्टर एज, यानी कि किस लिए रजिस्टर कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयर, अगर आप जॉब देना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं एम्प्लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारा है, हमको तो जॉब लेना है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर। ठीक, जॉब सीकर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म फिलअप करने होंगे, जो भी आप अपना डिटेल्स है वो देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम है, मिडिल नेम देना है, लास्ट नेम देना है। ठीक है, अगर कोई आपका मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देंगे। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड आपको कंपलसरी है देना है, आप जो भी रेड वाला जो है वो आपको देना कंपलसरी है। तो पैन कार्ड आप यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देंगे जो भी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो यहाँ पे आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड का यहाँ पे आपको नीचे में नंबर देना होगा। तो यहाँ पे आपको आधार का नंबर लिख देना है, अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपको फादर्स नेम, जो भी आपके गार्जियंस का नाम है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या है तो वो यहाँ पे आप दे देंगे, 10th किए हैं, 12th किए हैं। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लेवल इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको एजुकेशन सिलेक्ट करना होगा कि क्या आप किस चीज़ से आपने किया हुआ है, ग्रेजुएशन वगैरह या कुछ भी। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करना है कि क्या आप उसमें किए हुए हैं, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे जो भी आपका स्पेशलाइजेशन होगा। स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका स्टेट होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर कर देंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है तो मोबाइल नंबर दे देंगे। पासवर्ड आपको खुद से क्रिएट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पासवर्ड में आपको क्या क्या अलाउ देना है। कंपलसरी अलाउड में है कैरेक्टर्स आर, ठीक है, अल्फ़ाबेट आपको देना है ए से जेड तक, कोई भी आपको कैपिटल में देना है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल में देना है, कोई डिजिट देना है 0 से 9 तक, और स्पेशल कैरेक्टर देना है। ठीक है, जैसे आपका कोई नाम अगर कुमार है या रमेश है तो रमेश का आर कैपिटल इस तरह दे देंगे, और बीच में कोई भी वर्ड कैपिटल दे देंगे, और उसके बाद एट द रेट या फिर जो भी स्पेशल कैरेक्टर है वो दे देंगे या फिर नंबर दे देंगे। तो इस तरह मिला के आपको 8-9 डिजिट का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, और दोनों पासवर्ड आपको सेम यहाँ पे इंटर कर देना है जो दो आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपका यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज़र नेम में आप क्या देना चाहते हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर देना चाहते हैं, जो आपने आधार नंबर दिया है वो देना चाहेंगे, या ईमेल एड्रेस या NCC का ID, तो ईमेल एड्रेस दे देंगे आप अगर देना चाहें तो। यहाँ पे चूज़ करेंगे जो आपको सही लगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि आपके पास क्या क्या स्किल्स है। ठीक है, यानी कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया है, जावा हो गया, डेटा एंट्री हो गया, अकाउंट्स हो गया, सेल्स हो गया, अगर आपको फोटोग्राफी आता है तो वो आप कर लेंगे, अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइन आता है तो वो आप लिख देंगे। ठीक है,
फोटोशॉप आता है या कोई वेबसाइट आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, तो वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। जो भी आपको स्पेशलाइजेशन है जिसमें, वही आप यहाँ पे इंटर करेंगे, ठीक है, वो आप लिख देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है एट की स्किल्स फ्रॉम योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस। जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है या आपने जिससे एजुकेशन लिया है उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे स्किल्स इंटर करने हैं, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा भी आता है तो वो आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं बेहतर जानता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेमी कॉलन देना है सेपरेट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है सिक्योरिटी कोड, यानी कि जो भी ये लिखा हुआ है कैप्चा कोड, वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वेरीफाई कराना होगा आप OTP से, जो भी आपके मोबाइल पे रजिस्टर किए थे उस पे OTP आएगा, और आपके ईमेल आईडी पे आएगा जो भी आपने ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे वेरीफाई करा देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको यहाँ पे यूज़र NCS ID जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे कहीं और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़र नेम देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी था या आप यूज़र नेम जो अभी आया था वो दे सकते हैं। तो ईमेल आईडी, पासवर्ड जो आपने दिया था वो इंटर कर लेंगे और साइन इन पे क्लिक कर देंगे। फिर जैसे ही लॉग इन कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको होम पेज पे क्लिक करना है। इस वेबसाइट के होम पेज पे क्लिक करेंगे और होम पेज पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्पीड ऑफ कोरोना वायरस हैज़ टर्न इनटू ए ग्लोबल क्राइसिस, यानी कोरोना वायरस के वजह से ग्लोबल क्राइसिस हो गया है, ठीक है, पूरे देश में और पूरे दुनिया में। तो इसी करेंट सिनेरियो को देख के वर्क फ्रॉम होम जो है वो किया गया है, ठीक है, इन ज़्यादा घर से काम हो इसलिए ये इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से। तो इसीलिए यहाँ से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है वर्क फ्रॉम होम जॉब पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है सर्च जॉब का आ रहा है, यानी कि आप यहाँ पे जॉब सर्च भी कर सकते हैं अपना कोई भी कीवर्ड्स देके, जैसे जो भी आपका स्किल्स है, जो भी आप काम किए हुए हैं या जो भी आप पढ़ाई किए हुए हैं जिस फील्ड में, तो उसका यहाँ पे आपको कीवर्ड्स देना है, वो नाम लिखना है जिस जो आपको नॉलेज है, जैसे जावा हो गया, डेटा एंट्री, अकाउंट्स हो गया, सेल्स हो गया, तो इस तरह से आपको कुछ भी आता है वो लिखेंगे। और यहाँ पे जॉब लोकेशन अगर आप देना चाहें तो वो दे सकते हैं, किस जगह पे आप काम करना चाहते हैं अपने सिटी का नाम दे देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सपेक्टेड सैलरी क्या चीज़ मिलेंगे, मंथली वीकली जो भी होगा यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप अमाउंट लिख सकते हैं कि कितना आपको सैलरी चाहिए, ठीक है। उस तरह यहाँ पे फंक्शनल एरिया लिख देंगे, रोल लिख लेंगे क्या आपको रोल चाहिए। तो इस तरह जॉब सर्च करने के लिए आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स दे देंगे और जो भी आपके स्किल से रिलेटेड, जो भी आपका फिल्टर जो किए होंगे उससे रिलेटेड जो भी जॉब होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपने अकाउंट बनाया था उससे रिलेटेड जो जॉब है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी आप जॉब चाहें। यहाँ पे बहुत सारे जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स मैनेजर, कॉरपोरेट्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, HR जो बोलते हैं, और यहाँ पे वर्क प्लस डेवलपमेंट। और ये भी अगर आपके यहाँ पे काम का कोई जॉब वो नहीं हो रहा है, मिल रहा है, तो जैसे मैंने कि बताया यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हैं जिस फील्ड में आपको जॉब चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में BE वगैरह, BSc वगैरह, कंप्यूटर, BTech, ठीक है, और यहाँ पे जो भी आपका एजुकेशन होगा वो यहाँ पे सर्च हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आप सेक्टर चूज कर सकते हैं, किस सेक्टर में आप जॉब करना पसंद करना चाहते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एजुकेशन सेक्टर पे चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे ये सर्च करेगा, फिल्टर करेगा और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जॉब होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केटिंग कॉम सेल्स एग्जीक्यूटिव एडमिशन काउंसलर, यानी कि जो भी एडमिशन होता है उसका काउंसलर के लिए जॉब है यहाँ पे। और आप सैलरी यहाँ पे देख सकते हैं 1,20,000 से लेकर 1,80,000 पर एनम, यानी कि सालाना आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन काउंसलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपको एक्सपीरियंस जो मांग रहा है वो 0 से 5 इयर्स मांग रहा है, यानी कि जो भी बिगनर है वो भी
यहाँ पे ये कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर मोर पे क्लिक करते हैं कोई भी चीज में, तो उसका जो भी डिस्क्रिप्शन होगा, जैसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ मोर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नाम दे दिया है, नेम ऑफ द कंपनी, जॉब टाइटल दे दिया है एजुकेशन काउंसलर, ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है ये एनजीओ दे रही है जॉब, ठीक है, सेक्टर एजुकेशन है, फंक्शनल एरिया जो है वो कस्टमर केयर सर्विस है जो आप आराम से कर सकते हैं, फंक्शनल रोल आप देख सकते हैं टेली सेल्स है, एग्जीक्यूटिव है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क एक्सपीरियंस जो यहाँ पे दिया जा रहा है 1 से 3rd ईयर दिया जा रहा है, और बहुत सारे जॉब एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 से 5 ईयर, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मोर पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आपको काम करना है, नेचर ऑफ जॉब, फुल टाइम, वर्क टाइम, जो भी आपका सैलरी वेजेस जो भी होगा वो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप जॉब जो भी होगा वो यहाँ पे फिल्टर करके कर सकते हैं, आपको अगर फंक्शनल एरिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहिए या मार्केटिंग चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए या जो भी, वो यहाँ पे आप फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जॉब लोकेशन भी फिल्टर कर सकते हैं और नेचर ऑफ जॉब भी फिल्टर करके अपने हिसाब से यहाँ पे आपका जॉब जो भी आपके पसंद का होगा वो आ जाएगा, और अप्लाई इस तरह करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया होगा वो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक आ जाएगा मैच के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में देख सकते हैं रेड क्रॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम 1 ईयर का चाहिए एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो अपने प्रोफाइल में जाके एडिट करके एक्सपीरियंस डिटेल्स भी एड कर सकते हैं, जिससे आपको यहाँ ग्रीन आ जाएगा और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अप्लाई कर लेंगे। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।